हाँ जी, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपनी अर्निंग दिखाने वाला हूँ, यानी एक ब्लॉग चैनल से मैं कितना कमाता हूँ ये दिखाने वाला हूँ। और वो भी मेरे भी अप्रोक्स आते हैं 3-4 हज़ार व्यूज, मैक्सिमम 3-1 हज़ार या 2 हज़ार ही रहते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आखिरकार मैं कितना कमाता हूँ एक ब्लॉगिंग चैनल से। तो जो नए यूट्यूबर आ रहे हैं, ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज तक बड़े बड़े चैनल की सबने बताई, लेकिन छोटे चैनल की किसी ने नहीं बताई है। तो वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक देखना और काफी मोटिवेट आप होने वाले हो। आप लोग शौक हो जाओगे कि इतनी अर्निंग होती है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, इतना तो मेरा भी फर्ज बनता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में ही बताऊंगा, पता नहीं कहाँ पर बताऊंगा। लास्ट तक देखना, पसंद आए तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, तो सब्सक्राइब जरूर से कर दे। तो बिना देरी वीडियो स्टार्ट। तो गाइस, मेरी अर्निंग जानने से पहले थोड़ी बात सुन लेना, मेरी लाइफ स्टाइल कैसी थी पहले और कितनी चेंज हो चुकी है। तो पहले की बात करें तो काफी सीधा साधा बंदा मैं था, किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता था, अपने काम से काम रखता था मैं, किसी से ज्यादा बोलता बतलाता नहीं था। लेकिन आज की सोसाइटी, यानी जो समय है, वो बिल्कुल ही चेंज है मेरे लिए। मैं बोलता भी हूँ, बतलाता हूँ, अनजान पर्सन से भी बोलता हूँ, जो मुझे शायद मैंने उसे जिंदगी में ना देखा, उसने मुझे ना देखा, लेकिन वो मिलते हैं कि भाई मैं आपके वीडियो से देखता हूँ। तो मैं उनसे भी काफी अच्छी तरीके से बोलता हूँ, काफी अच्छी तरीके से उन्हें हैंडल करता हूँ, क्योंकि मुझे अब वो समझ आ चुकी है। कैसे आई वो? आई आप लोगों के प्यार से, और वीडियो बना बना कर मुझे आया कि हाँ, ऐसे लोगों को हैंडल किया जाता, हर इंसान बुरा भी नहीं होता है। और मेरे लिए प्राउड की बात कब होती है पता? जब मेरे मम्मी पापा से कोई आता है, मेरे बारे में पूछता है, कहता है हाँ आपका लड़का अच्छा कर रहा है, और तो मेरे मम्मी पापा कहता हाँ, यानी वो हमेशा मेरे साथ खड़े थे। आज उनकी भी कहीं ना कहीं देन है कि आज मुझे लोग रिस्पेक्ट देते हैं। काफी अच्छा लगता है कि कोई घर पर आके और तुम्हारे मम्मी पापा के सामने तुम्हारी, यानी कहे कि हाँ आपका लड़का अच्छा करता है, फिर तो उनके चेहरे पर जो स्माइल आती है मम्मी पापा के, वो उससे काफी मोटिवेशन मिलता है कि पैसा तो चलो हर चीज से कमाते हैं, लेकिन इज्जत, एक प्यार, आप लोगों का एक जनता कमाना काफी डिफिकल्ट है, जो मैं कमा रहा हूँ और मैंने कमाई है आप लोगों का प्यार। तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा यार, यूट्यूब अगर कर रहे हो तो अगर आपको जनता प्यार दे रही, तो आप लोगों के लिए वो बहुत मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे लोग प्यार कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने लगा, मैं ये नहीं सोचता कि आज मेरे इतने डॉलर बने या इतने, बल्कि मैं सोचता आज इतने लोगों ने मुझे प्यार किया, इतने लोगों ने मेरी वीडियो लाइक की, ये मेरे लिए काफी मोटिवेशन होता है। तो आप लोग भी ये देखकर वीडियो बनाया करो कि आखिरकार मुझे कितने लोग प्यार कर रहे हैं। तो आज जो आप भी आगे ग्रो होंगे, तो आप लोगों को भी मालूम पड़ेगा कि हाँ, यूट्यूब ने मुझे कुछ तो दिया। एक पब्लिक को प्यार इतना ज्यादा अच्छा लगता है, कोई बाहर मिलता है कि भाई मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, तो मुझे काफी प्राउड महसूस होता है कि चलो कुछ तो मैंने जिंदगी में अपने किया, अच्छा किया। तो अब दिखाते हैं अर्निंग। साइड में आप लोग स्क्रीन शॉट देख सकते हो, जिसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 207 डॉलर, लगभग 7 यानी 6-7 के समथिंग है। तो आप लोग इससे ये अंदाजा लगा से, ये मेरे 6-7 महीने की अर्निंग, यानी ये अर्निंग लाइफ टाइम की दिखाई, एक इसका एक का पेमेंट आ चुका है और एक रह गया है, यानी जो इस मंथ शायद आ जाए अपडेट हो गए, तो यानी ये दूसरा पेमेंट है। तो इसका मतलब मैं मेरे समथिंग होंगे मान लो 103 डॉलर मत। तो अर्निंग तो विशेष नहीं है, लेकिन हाँ जो प्यार है आप लोगों का, जो इज्जत मिलती है मार्केट में, वो नेक्स्ट लेवल है यार। तो इसीलिए कभी डिमोटिवेट मत होना यार कि अर्निंग कम है तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। नहीं यार, आप लोग अर्निंग तो होने लगेगी जो जनता का प्यार मिले, लेकिन जो जनता प्यार देगी वो उसको मायने देना यार। तो आप भी सक्सेस जरूर करेंगे, और जब भी टू गाइस इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, ऐसे ही हमेशा मुझ पर विश्वास करते रहे, ऐसे ही प्यार देते रहना। आपका भाई आपके लिए ऐसे मस्त मस्त वीडियो लाता रहेगा, अर्निंग हो या ना हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आप लोगों के प्यार से मुझे फर्क पड़ता है। तो तब तक जय जवाहर।